सबसे पहले आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, उसको एक जगह रख लेना है। उसके बाद आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है, छोटा सा टुकड़ा ही काफ़ी है छोटे बच्चों के लिए। ज़्यादा अदरक देने पर उनको ज़्यादा तीखा लग सकता है, जिससे वो ये नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए आपको बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है। अच्छे से अदरक को छील लीजिए और साफ़ कर लीजिए। अदरक को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद उसको हमें एक छोटे से कद्दूकस में कस लेना है। अगर आपके पास बड़ा भी है तो उसमें भी कस सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको घिस लेना है। अगर आप चाहते हैं सिलबट्टे में पीस सकते हैं, इससे भी अच्छे से उसका रस निकल जाएगा। कद्दूकस कर लेने के बाद मैंने तुलसी के पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लेना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी उस पर मकड़ी के जाले लगे होते हैं जो बच्चों को नुकसान दे सकता है, इसलिए अच्छे से धोकर ही इसे यूज़ कीजिए। इसके बाद आपको एक हमालदस्ता लेना है, उसमें इस सब चीज़ों को डाल देना है, तुलसी के पत्ते और अदरक को, और अच्छे से उसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेने के बाद आपको बहुत आसान होगा इसका रस निकालने में। आप देख पाएंगे कि हम इसका रस अब निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसके बाद इसका हाथ से ही इसका रस निकाल लिया। आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े के अंदर इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से निचोड़ ले सकते हैं। कपड़ा साफ़ होना चाहिए। अच्छे से रस सारा निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें हम शहद डालेंगे। मेरा ये होममेड शहद, मतलब होममेड तो नहीं कह सकते, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये बहुत ही प्योर वाला शहद है, जो बिल्कुल एकदम मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया है, तो इसलिए इसका रंग भी थोड़ा सा गाढ़ा है। आप ख़रीद भी सकते हैं मार्केट से, और अगर आपके पास है ये सब अवेलेबल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अच्छे से मिला लीजिए। इस तरीके से आपको ये काढ़ा तैयार मिलेगा। इस काढ़े को बच्चे को थोड़ा थोड़ा, हाफ चम्मच, अगर बड़ा चम्मच है तो हाफ चम्मच बच्चे को ज़रूर दीजिए, दिन में 3 बार। बच्चे को इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा शहद ज़्यादा मिला लीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे को दिन में 3 बार देते रहिए। तैयार है ये काढ़ा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से आपको एक काढ़ा तैयार करके बच्चों को सर्दी लगने, अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये काढ़ा आपको थोड़ा थोड़ा बच्चों को देते रहना है। 100% वर्क करता है। मैं इसको खुद ट्राई कर चुकी हूँ, करती भी हूँ जब रिश को सर्दी लग जाती है, क्योंकि बच्चों को बीमार होने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। हम जितनी भी उनकी केयर करें, सेफ्टी करें उनको, मतलब अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ से भी बीमारी आ सकती है, तो हम जितनी ही केयर क्यों ना कर लें, बच्चे अक्सर बीमार पड़ ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी केयर करना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयर नहीं करेंगे, केयर करेंगे तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, लेकिन अगर केयर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगी, जिसमें जो वो तरीका है, अक्सर बच्चों के सोते वक्त नाक बंद हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सर्दी जुकाम होते वक्त होता ही है, तो आप विक्स या फिर ये सब ट्राई करते हैं, वो सब ट्राई कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको घरेलू एक नुस्खा बताऊँगी, जो आप ट्राई जितना भी कर लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, इवन फ़ायदा होगा, ये भी वर्क करता है, मैं भी यूज़ करती हूँ इससे। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी, वो ट्रीटमेंट आप ट्राई कीजिए, बच्चा 100% ठीक हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दवाइयाँ आप तभी ट्राई करें, पहले आप इन घरेलू नुस्खों को 2 दिन एटलीस्ट ट्राई करें, अगर आप देखते हैं कि बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है तो आपको दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं, सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही है, आपके हाथ से निकल रही है, ज़रूर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और मेडिसिन बच्चों को दे सकते हैं। सर्दी जुकाम लगने के बाद बच्चों का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो आपको क्या करना है, बच्चों को स्ट्रिंग देना है। अब आप कहेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्ट्रिंग कैसे दें, इस पर भी मैं वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, मेरी कई वीडियो में मैंने शेयर किया है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, गोदी में 1-1.5 साल से कम का है या 2 साल से भी कम का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉशरूम में जाने के बाद गर्म पानी का शावर ऑन कर सकते हैं, उसके बाद रूम के अंदर एक भाप हो जाती है, फिर बच्चे को उसके आप ले जा सकते हैं अंदर, उसकी भाप से ही वो बच्चा स्ट्रिंग ले लेगा, उसके बाद आप रूम से बाहर ले आइए बच्चे को। इस तरीके से छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप उसको कोशिश कीजिए गर्म पानी को उसके फेस को ढकने की, आप साथ में रहिए, क्योंकि कभी कभी वो बच्चा नहीं ले पाता है तो आप उसको गाइड ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों को आप स्ट्रिंग ज़रूर दीजिए। तो बच्चों को स्टिंग देना बहुत ज़रूरी है, यह है पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट आपको क्या करना है,
बच्चे को बार बार हल्का गुनगुना पानी पिलाते जाना है। उनको बिल्कुल भी ठंडा, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। ठंडे पानी से उनको और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो बच्चे को हल्का गुनगुना पानी आप बार बार पिलाते जाए, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद, एक होममेड काढ़ा जो मैंने बताया है अपनी वीडियो में, वो बना सकते हैं। ये एक मेडिसिन का काम करता है। अगर बच्चे को सर्दी लग जाती है तो आप ये काढ़ा बच्चे को एक मतलब जरा सा दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो बहुत उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखिए, और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो एक चम्मच आप उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटा बच्चा है तो अदरक की मात्रा थोड़ी कम रखिए बस। उसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट आपको ट्राई करना है कि बच्चे के गले और चेस्ट पे क्या करना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल से कम एज का बच्चा है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को रब करना है, जो गर्माहट हाथों में तैयार होगी वो आपके बच्चों के चेस्ट पे लगाना है, गले में लगाना है, इस तरीके से आपको भाप देनी है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 3-4 साल का, 5 साल का है, तो आपको क्या करना है, 5 साल का या उससे बड़ा आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों पे तेल, हल्का सा तेल लगाना है, सरसों का तेल लगाना है, और हाथों को जोरों से रगड़ना है, या फिर कोई गर्म चीज़ हो उस पर, या फिर कोई गर्म आँच हो या फिर दिया हो उस पर हल्का सा हाथ को यूँ रख के, और उसकी जो गर्माहट है वो बच्चे को देनी है, चेस्ट पे देनी है, गले पे देनी है, और आप बैक पे भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये भी मैं ट्राई करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो आपको ट्राई करना है, रात को सोते समय, छोटा बच्चा हो या बड़ा, सब पे ये वर्क करता है। आपको हाथों के तलवे या पैरों के तलवे, हाथ के तले जो होते हैं यहाँ और पैरों के तलवे जो होते हैं वहाँ, आपको सरसों का तेल अच्छे से लेके वहाँ पे अच्छे से रब करना है रात को सोते वक्त। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो रात को सोते वक्त आप अच्छे से मालिश कर दें पैरों के नीचे, अच्छे से मालिश करने के बाद आप बच्चे को सुला सकते हैं उसके। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करता है रात को सोते समय, ये आपको ज़रूर करना है। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, रात को मालिश कर दीजिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आपके पास मतलब आप बच्चे की ज़्यादा केयर करते हैं, तो बच्चों को आप उसके हाथ पैरों की भी मालिश कर सकते हैं हल्के सरसों के तेल से। सरसों का तेल अगर प्योर हो तो बहुत ही अच्छा है, वो आप अच्छे से अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो जो आप खरीदते हैं रेडीमेड, वो सरसों का तेल आप बहुत कम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वो आप अगर लेते भी हैं, अगर आपके पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि आप प्योर सरसों का तेल यूज़ कर सके, तो आप अगर वो लेते हैं तो वो बहुत कम मात्रा में ले, और अगर प्योर सरसों का तेल है उसे आप ज़्यादा मात्रा में बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, उसके साथ सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत वर्क करता है। इसके बाद जो मैंने वीडियो में बताने वाली हूँ, आप बच्चे जब रात को सोता है तो उस पोटली को आप बच्चे की नाक के पास रख दीजिए। बच्चे की नाक जब बंद हो जाती है तो उससे धीरे धीरे बच्चे की नाक खुलने लग जाती है। कुछ लोग विक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों की सर्दी अंदर जम जाने का डर रहता है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हो सकती है। तो इसीलिए ये घरेलू नुस्खा ट्राई किया जाता है, जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो एटलीस्ट। तो चलिए अब उस वीडियो को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको वो पोटली तैयार करनी है, जो बच्चे की नाक के पास आपको रख देना है, जिससे बच्चे की नाक धीरे धीरे खुल जाए और बंद ना हो, और उसके बाद बच्चा आराम से सो सके। सबसे पहले आपको अजवाइन लेना है, उसके बाद आपको लेना है एक साफ कपड़े का टुकड़ा, उसके बाद कुछ लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को बारीक काट लेना है। अब एक कटोरी में, या फिर आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। कटोरी में मैंने इसलिए कहा है, हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं होता है, मुझे इसके लिए अलग से कटोरी यूज़ करनी पड़ती है। उसमें मैंने लहसुन को अच्छे से भून लिया है, उसमें अजवाइन डाल दी है, इनको अच्छे से भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है आपको, थोड़ा सा उसमें से स्मेल आने लगी, इस तरीके से आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें कोई तेल का यूज़ नहीं करना है आपको, साफ़ कपड़े के ऊपर। उसके बाद इस गर्म चीज़ को ठंडा कर लेने के बाद आपको साफ़ कपड़े में डाल लेना है, उसकी एक छोटी सी पोटली बना लेनी है इस तरीके से। अब इस पोटली को आपको बच्चे की नाक के पास सोते वक्त रख देना है, जिससे बच्चे की नाक खुलने में बहुत आसानी होगी। लहसुन और अजवाइन की जो स्मेल होती है, वो जो मतलब नाक को अच्छे से खोल देती है, जिससे बच्चों को सोने में तकलीफ़ नहीं होती। आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के नेजल ड्रॉप्स आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लें इसके बारे में कि हम बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं। मैं एक आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये है एक नेजल ड्रॉप्स बच्चों में, यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1-6 ईयर ओल्ड्स। आराम से आप बच्चों को दे सकते हैं, फास्ट रिलीफ फ्रॉम ब्लॉक्ड
नोज़ ये इसमें दे रखा है। इसमें बच्चों को आपको एक या दो ड्रॉप देना है। इससे बच्चे की नाक बहुत आसानी से खुल जाती है, बहुत अच्छा वर्क करता है, ये भी आप दे सकते हैं, पर अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। अगर आप भी ये ट्राई करते हैं तो देखिएगा, आप बहुत अच्छा वर्क करता है, 100% मैं कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है, मेरे साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके साथ वर्क नहीं करता है बाई चांस, तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बच्चों को। और ये सारी ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई है ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर बच्चे को सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी बच्चा रिकवर कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल हुई है आपके लिए। इन घरेलू नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं।